बिहार विधानसभा की कार्यवाही आपको बता दें, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामे की स्थिति बनती दिख रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा के बाहर और भीतर हंगामे की स्थिति। विद्यालय है, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि 15-16 साल में ही सब में गड़बड़ी नहीं हुआ, सातवें महीना सब गड़बड़ी हो गया। महोदय, तो समग्र शिक्षा अभियान की जो राशियां दिल्ली से आनी है, जो महोदय अभी नाम ले रहे थे, तो वहां से तो क्या आती है, सो तो अभी तत्काल भी आप बजट का लेखा जोखा ले सकते हैं। महोदय, भारत सरकार का सहयोग न के बराबर होता है महोदय इस मामले में, और ये चिंताजनक स्थिति है। बावजूद भी माननीय सदस्य को ये मैं जानकारी दूं कि स्पष्ट रूप से सरकार इन विद्यालयों में निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त रखी है, आगे और निगरानी करी की जाएगी, और जहां भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगा वहां भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी पत्राचार सरकार ने अपर मुख्य सचिव के स्तर से किया है। महोदय, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखा जाए, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया, लेकिन प्रश्न आप देखेंगे तो साफ है, ये स्वीकार किया गया कि शौचालय है, कुछ जगह कमी होगी, लेकिन ये साफ दिखा गया है कि 50% स्कूलों में शौचालय बेकार। माननीय मंत्री ने विस्तार से जवाब दिया है, कितना रुपया दिया जाता है, राशि दी जाती है, और उन्होंने दो पत्र का हवाला दिया। एक पत्र तो मानवर जो पूर्व शिक्षा मंत्री है उनके समय का है, जुलाई का, और दूसरा पत्र जब एक क्वेश्चन किया गया महोदय तब दिया, फरवरी। खैर, वो विवाद का विषय मेरे लिए नहीं, मेरा विषय महोदय यह है कि जो पैसा यहाँ से जा रहा है, पूरा तंत्र शिक्षा विभाग का, महोदय विद्यालय है, विद्यालय के ऊपर उनका जो प्रखंड का शिक्षा पदाधिकारी है, जिला का पदाधिकारी है, तो किसी ने इसका निरीक्षण किया? और अगर सब ठीक है और गड़बड़ नहीं है, सरकार का है गड़बड़ नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो कितने विद्यालयों के लिए रिपोर्ट हुआ, कितने पर कार्रवाई हुई? महोदय, आप जवाब सवाल देखिए महोदय, ये माननीय विधायक ने प्रश्न किया है, क्या सरकार ससमय शौचालय नहीं बनवाकर बच्चे बच्चों को बेकार पड़े शौचालय में ही जाने को मजबूर करने वाले विद्यालय प्रशासन और पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? महोदय, मेरा सवाल कार्रवाई का है। आपका पूरक नंद किशोर बाबू, आपने तो पूछ ही दिया। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, महोदय अभी जवाब आपने विस्तृत रूप से महोदय महोदय, लेकिन माननीय एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं महोदय, और सामने वाले साहबों के लिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। समग्र शिक्षा पर फरवरी 2027 तक 1,81,176.05 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। उक्त मद में भारत सरकार का हिस्सा रुपया 10,905.63 करोड़ होता है, मगर इस बीस वर्ष उन्होंने इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार सहायता मिलेगा 10,000 में से। महोदय, आपके प्रश्न के जवाब हुआ, आप बैठ गए, अब माननीय नंद किशोर बाबू ले लिए हैं, इसलिए आपको इजाजत ना मिलेगा। चलिए, केंद्र सरकार अपने हिस्से का 10,009 कुछ भी लिया है। मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलवाइए ना। महोदय महोदय, मैं उसी का दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, केंद्र सरकार का हिस्सा कहा है कि माननीय माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब आप दीजिए। कहाँ दे रहे महोदय, हस्तांतरण किया जाए। महोदय महोदय, हस्तांतरण की मैं सुगम और सुलभ जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार का हिस्सा 10,905.63 करोड़ में से अभी तक मुश्किल से 1,855.65 करोड़ ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भारत सरकार के सहयोग को हम लोग सब लोग जाने, इस बात की आवश्यकता है महोदय। और माननीय सदस्य ने जो कही है बात कि कितने में है कितने में नहीं है, तो अलग से प्रश्न लेंगे तो दे देंगे जवाब। महोदय, प्रश्न का अंतिम पंक्ति देखा जाए, मैंने कोई विषय प्रश्न से बाहर का नहीं किया। आप शांति बनाए रखें। महोदय, मैंने कोई प्रश्न बाहर का नहीं किया है, कितने पर कार्रवाई हुई ये प्रश्न में लिखा हुआ है। महोदय, वही बात पूछ रहा हूँ। माननीय मंत्री, आपने कार्रवाई माने
अपने स्तर से सरकार के स्तर से कार्रवाई आपने किया है? अगर कार्रवाई किया है तो इसकी जानकारी दीजिए। महोदय कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए सरकार का स्तर से पत्र दियो जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्गत है। महोदय माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी हो गया ना अध्यक्ष महोदय ऑनलाइन उत्तर दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय। हाँ तो भाई आप पूरा पूछिए, घुमा फिरा के पढ़ लिया हूँ। अध्यक्ष महोदय परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार है ये हम सभी लोग इस पर वाकिफ है। अध्यक्ष महोदय भारत सरकार ने तारकिशोर बाबू पूर्व उप मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय भारत सरकार ने आपके 3 मार्च 2021 को एक गजट प्रकाशित किया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 18 तरह की सेवाएं